किसान भाइयों, आप इतनी मेहनत करके अपनी फसलों को उगाते हो और कड़ाके की सर्दी में भी आप पानी फसलों को पिला करके अपनी फसलों को बढ़ने के लिए वो करते हो कि अच्छी उत्पादन मिले, लेकिन जंगली जानवर, आवारा पशु, नील गाय, जंगली सुअर आपकी फसलों को नष्ट कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे आपको पूरा उत्पादन नहीं मिल पाता और इससे बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों को होता है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के जो बजट घोषणा की गई है, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, उसके तहत तारबंदी का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि किसान भाई कांटेदार तार से तारबंदी कर सकते हैं या चैन लिंक के माध्यम से भी तारबंदी करके अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने अभी कुछ शिथिलता भी दी है, पहले 6 तार लगाने होते थे, 6 तार लगाने होते थे, अब उसकी जगह 5 तार कर दिए गए हैं। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, ये तारबंदी की गई है जिसमें आप 6 की जगह 5 तार आप लगा सकते हैं, और इसके अलावा इसमें इसको रोकने के लिए ऐसे 8.5 तार भी लगाने होते हैं। ये जो दूरी है पिलर की, ये 15-15 फीट कर दी है, पहले ये 10 फीट थी, अब 15 फीट पर इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा ये सपोर्ट दे रखे हैं ताकि ये तारबंदी आपकी ख़राब नहीं हो और ये लंबे समय तक चले। सरकार द्वारा इस पर अनुदान भी दिया जा रहा है। अब वर्तमान में लघु दो तरह के किसान बना रखे हैं, लघु सीमांत जिनकी 2 हेक्टर तक की ज़मीन है, उनको सरकार 120 रुपये प्रति मीटर तक का अनुदान देती है, अधिकतम 400 मीटर तक का अनुदान किसानों को तारबंदी पर दिया जा रहा है। यदि लघु सीमांत है तो उसको 120 के हिसाब से अधिकतम 400 मीटर के लिए 48,000 रुपये का, और यदि बड़ा काश्तकार है तो उसको 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 400 मीटर के लिए 40,000 रुपये तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप तारबंदी करके अपनी फसलों की सुरक्षा करें और इस अनुदान का लाभ उठा करके आप अपनी फसलों को बचाएं और समृद्ध बनें।